तो फ्रेंड यहाँ पे बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन चलता है कि भाई मोबाइल एडिट और पीसी एडिट वीडियो अगर हम वहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई डिफरेंस होता है क्या? यानी कह सकते हैं कि अगर हम मोबाइल पर कोई वीडियो को एडिट कर रहे हैं या फिर पीसी पर कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं, यहाँ पे पीसी पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, सिंपल वे में कह सकते हैं, और अगर यहाँ पे मोबाइल पर हम यहाँ पे एडिट कर रहे हैं तो क्या कोई डिफरेंस आता है वीडियो में, उसकी क्वालिटी में, या फिर कह सकते हैं कि हम किसी भी सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करें तो क्या वहाँ पर कोई वीडियो में कोई इशू आता है जिससे वीडियो वायरल ना हो, कम व्यू आए, ऐसा कुछ होता है क्या? तो फ्रेंड आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आज आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो फ्रेंड वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आपको अपने पेज को फॉलो कर लेना है, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो फ्रेंड तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि मोबाइल एडिटिंग और पीसी एडिटिंग करने से वीडियो में क्या डिफरेंस आता है। तो फ्रेंड अगर आपके पास पीसी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अधिकतर लोग जो है मोबाइल से ही एडिट करते हैं। लेकिन अगर आपका मोबाइल ज़्यादा पुराना हो गया है फ्रेंड, मतलब 2 साल के अबव हो चुका है, 3 4 साल पुराना हो गया है, तब ऐसी कंडीशन में होता है क्या कि आपकी जो पर्टिकुलर वीडियो होती है उसका रेजोल्यूशन कम होना शुरू हो जाता है। यानी जो वीडियो आप वहाँ पे एडिट कर रहे हो और एडिट करने के बाद जो एक्सपोर्ट करोगे, आप ये मायने नहीं रखता है, आप कोई भी मोबाइल के एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करिए, चाहे कायन मास्टर करिए, चाहे आप वीवा का करिए, कुछ भी करिए आप, लेकिन अगर आपका मोबाइल जो है पुराना है, 3 4 साल पुराना है, तो यहाँ पर वीडियो का रेजोल्यूशन कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, यानी वीडियो की क्वालिटी जो होगी गिर जाएगी। और दूसरी कंडीशन में अगर हम पीसी की बात करें फ्रेंड, तो पीसी में ऐसा नहीं होता है। पीसी भी अगर आपका ज़्यादा पुराना, 8 10 साल पुराना हो गया फ्रेंड, तब जाके आपको इशू आने लगते हैं, सॉफ्टवेयर प्रॉपर एक्सेस नहीं करता है, और आप जब भी कोई वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो तब जाके वहाँ पे कोई रेजोल्यूशन में भी कमी आ जाती है, या फिर आप फ्री के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो तब भी रेजोल्यूशन में यहाँ पे कमी आ जाती है। और आपको पता होना चाहिए कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो फ्रेंड, वो वीडियो की क्वालिटी पकड़ते हैं, आपकी वीडियो की क्वालिटी कैसी है। यानी कि अगर आपकी वीडियो की अच्छी खासी क्वालिटी है, मतलब लोग देख रहे हैं तो उनकी नज़र नहीं हट रही उस पर, व्यूअर एंगेजिंग है, तब जाके आपकी कोई वीडियो वायरल होती है। ये मायने नहीं रखता है कि आप पीसी पर अपलोड एडिटिंग कर रहे हो, पीसी से अपलोड करो, या फिर मोबाइल से अपलोड करो, या फिर पीसी से एडिटिंग करो, या फिर मोबाइल से एडिटिंग करो, इसमें वीडियो में कोई डिफरेंस आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर कोई ज़्यादा पुरानी चीज़ है, ज़्यादा पुराना हो गया है और उसकी क्वालिटी में अगर डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड, तब जाके आपके लिए नुकसान है, वो आपका पीसी भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी हो सकता है। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, अपना स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।